अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक से होंगे। आज की रेसिपी कुछ नहीं है, मेरी रमज़ान की तैयारी है, जो कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि किस तरीके से आप मैनेज करते हो इतनी जल्दी कम समय में। तो इसीलिए मैं आपको ये नई टिप्स लेकर आई हूँ कि जल्दी जल्दी किस तरीके से हमें रमज़ान में तैयारी करनी है। तो ये मैंने चने हैं जो कि इसे उबाल कर रखे हैं, और ये वाले भी उबाल कर रखे हैं, और ये मेरे पास में बैटेटो है, ये भी उबाल लिए मैंने, और ये मेरे पास में ग्रीन चिल्ली है, अदरक लहसुन है, और ये मेरे पास में शुगर है जो कि कर रख लिए नींबू पानी के लिए। तो जल्दी क्योंकि जब बनाते हैं हम तो ये मेल्ट नहीं होती है, इसी वजह से ये मैंने पीस कर स्टोर कर रख लिए। ठीक है, तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो देखे मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स आइए। फ्रेंड्स आज ये हरी मिर्चियों में क्या क्या डालना है वो भी बता देती हूँ। ये भाजी में बना लें आप या गोश्त के सालन में ऐड कर लें तो ये अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो ये है मेरे पास में आधा किलो हरी मिर्चियाँ हैं, इसे हमने पीसना है। इसमें कड़ी लीफ डालना है और कुछ कोरिएंडर है मेरे पास में, ये भी डालना है, और ये चार स्पून मेरे पास में ज़ीरा है, तो इसे साथ में हमने पीस लेनी है। इस तरीके से मैंने इसे वॉश करके रखा है, वॉश करके सब छन्नी में निकाल कर रखा था आपको दिखाने के लिए। तो ये भी मैं डाल दूँगी और ये कड़ी लीफ भी डाल दूँगी, इसे मैंने सारा पीस लेनी है, और ये भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। ठीक है, ये हो गया। और ये मेरे पास में अदरक लहसुन के लिए, मेरे पास में पीसने के लिए ये मेरे पास एक किलो का लहसुन है और एक किलो मेरे पास अदरक है, जो कि अदरक छिलने में कम हो जाती है, बट ठीक है क्योंकि ये जूनी होती है तो थोड़ी स्पाइसी होती है, तो इसके लिए ठीक है, इसका मेजरमेंट बराबर परफेक्ट है। तो ये बाहर से मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इसका भी मैं आपको बता देती हूँ पीस कर। मेरे हो चुके हैं अदरक, ये हरी मिर्चियाँ मैंने इसमें पीस लिए हैं, तो अभी इसको हमने फ्रीज़र करना है, तो आइस क्यूब में मैंने ट्रे में ये डाल देंगे, तो ये आइस क्यूब हो जाएगी। तो ये इस किसी में भी यूज़ कर लें आप, बहुत अच्छा टेस्ट होगा, काटना नहीं पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा हमारा, क्योंकि हम रोज़ा रखेंगे और इबादत का महीना है, तो हम ये सब चीज़ों में टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, इसीलिए मैं ये सब तैयारी अभी से ही कर रख लेती हूँ रमज़ान के लिए, ख़ास करके क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है इसीलिए। तो आपको भी मैं ये मेरा बता रही हूँ जो टिप्स है मेरी, आप भी सीख लीजिए क्योंकि आपको भी बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का, क्योंकि आपका भी टाइम बच जाएगा और हमें ध्यान नहीं रहता है, इसी वजह से हमें इस चीज़ का ख्याल रखनी है। और इसे फ्रीज़र कर लें, फ्रीज़र करने के बाद में ये इसके क्यूब्स निकाल के डब्बे में स्टोर कर रख लें। जब भी आप बनाना चाहें कांदा लाल होने के बाद में इसे डाल दें, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा उसी में, इसी वजह से हमें इस चीज़ का ख्याल रखनी है। और इसे फ्रीज़र कर लें, फ्रीज़र करने के बाद में ये इसके क्यूब्स निकाल के डब्बे में स्टोर कर रख लें। जब भी आप बनाना चाहें कांदा लाल होने के बाद में इसे डाल दें, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा उसी में। ये मेरे पास में आधा किलो मैंने इसके लिए डाला, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है और मुझे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने आधा किलो का बताया है आपको। अगर आपके पास फ्रीज छोटी है और आपकी फैमिली कम है तो प्लीज़ इसको कम इस्तेमाल करें, जैसे पाव किलो है, 100 ग्राम है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ज़्यादा है इसीलिए मैंने ज़्यादा आपको बताया है, और अदरक लहसुन का भी आपको माप मैंने ज़्यादा बताई है क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी। ये मेरा एक किलो का अदरक लहसुन पीस चुका है, तो मैंने ये एक कप तेल है जो कि इसमें डाल दें। ये डाल देने से क्या होगा, ये आपका अदरक लहसुन काला नहीं पड़ेगा और ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि ये मेरा अदरक लहसुन कम से कम 1 महीना 15 दिन के लगभग बीच में चलने वाला है, इसीलिए क्योंकि आधा रमज़ान तो मैं गुजार दूँगी इसमें, तो इसके लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें और ऐसी ही बनाएं। ये हो चुके हैं मेरे फ्रेंड्स, देखिए ये क्यूब बना लिए मैंने। अब ये क्यूब किसी में भी इस्तेमाल करें आप, ये वैसी ही टेस्ट होगा आपका ये क्यूब बनाने से। तो इसको हम फ्रीज़र में स्टोर कर रख देंगे। और ये मेरे पास में अदरक लहसुन जो कि मैंने आपको बताए थे तेल डाला, देखिए 2 दिन के बाद भी वैसी की वैसी ही है। अब ऐसे तेल डालकर आप रखेंगे तो ये वैसी ही रहेगी। तो ये मेरे पास में अदरक लहसुन भी हो चुके हैं, ये मेरे पास रमज़ान की तैयारी हो रही है,
तो मैं सब स्टोर कर कर रखूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी, फ्रिज में नहीं। ये मेरे पास में चने उबाल लिए हैं मैंने, इसे देखिए इस तरीके से उबाल कर भिगो कर रखा था आधा घंटा और फिर इसे उबाल लिया, तो अभी इसे मैंने पैकेट में डाल दूँगी। ये वाली ऐसी वाली पैकेट होती है, इसमें आप डालकर आप स्टोर कर कर रख सकते हो। देखिए इस तरीके से आपको जितना यूज़ होता है उस तरीके से आप डालकर इसे रखें। ये इस तरीके से मुझे इतना यूज़ होगा तो ये मैं इतना ही यूज़ कर कर इसे पैकेट बना लूँगी, ठीक है। तो आपने ये हो चुके क्योंकि ये भी मैंने उबाल लिए हैं भिगो कर, तो ये भी इतने ही मैंने उबाले हैं। देखें इस तरीके से, ये क्या होता है ना, ये हमारे लिए टाइम बहुत बचता है, नमाज़ पढ़ने का होता है, इबादत का टाइम है, तो हम ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसीलिए। तो ये भी मैं पैकेट बना लूँगी इस तरीके से, और इसका ख्याल रखें आप असर की नमाज़ में जब पढ़ने के लिए खड़े रहें तो इसे निकाल लें, इसे निकाल लें और थोड़ी देर तक आधे घंटे के बाद में इसका जो फ्रीज़र का जो थिकनेस है वो चला जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, फिर आप इसे बघार कर रख सकते हो। तो इसकी डे बना लेनी है। और ये मेरे पास में बटाटो है, बटाटे को भी मैंने अच्छी तरीके से धोकर उबाल लिए थे, जो कि इस तरीके से इसे उबाल लेनी है। मैं पेटीज़ बनाकर नहीं रखती हूँ, पेटीज़ बनाने से क्या होता है कि जब तेल में जब अपन डालते हैं, हमने डालते हैं तो वो फूट जाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीज़र का पानी रिलीज़ होता है, इसीलिए ये वो मुंह पे उड़ते हैं तेल में डालने के टाइम पे। तो इसीलिए मैं ये उबाल कर स्टोर कर कर रखती हूँ इस तरीके से, फिर बाद में जब हमें यूज़ लगता है तो मैं उस टाइम पे इसको थोड़ा सा ठंडा बाहर निकालने के बाद में इसे मैं थोड़ी देर के बाद में इसे चिकन और जो भी डालना है आप डाल के इसे पेटीज बना लें या कुछ भी बना लें, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।